ओके, एक मिनट एक मिनट, बोर्ड इज विजिबल नाउ प्रॉपर? हाँ सेकंड, एडजस्टमेंट करते हैं, स्टार्ट करेंगे लेक्चर। वेट वेट वेट, 2 सेकंड। दो सेकंड वेट करना बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल। मॉर्निंग में कहां तक कर लिया था? अच्छा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सी हो। चलो आगे चलते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट। स्टार मार्क करना है इस पॉइंट पर। आर सी डबल ओ एच। एंड अबव द एरो एन ए सी टू एच 5 ओ एच, इट इज गिवन टू यू। देन थिंक व्हाट विल हैपन हियर। आराम से सोचना है क्या होगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। इतनी जल्दबाजी हो सर नहीं, हम तो अभी सॉल्व करेंगे। देखो भाई, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर द प्रपोर्शन ऑफ एल्कोहल बाय द भैया क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करूंगा, ठीक है? क्लास, दिस इज कॉल्ड पाव वॉल्ट। हेलो सर, एक्सक्यूज मी कपिल सर, से मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ सबसे पहले सोडियम मेटल आएगा, और आपको पता है सोडियम मेटल है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये Na+1 और +1 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को देखते ही इस 5 मोल में खलबली मची, और खलबली ऐसी मची यहाँ। लेकिन इलेक्ट्रॉन को ये समझना, इसने इलेक्ट्रॉन देखा, ये क्लाउड यहाँ शिफ्ट हुआ, इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पर कौन पहुंचेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन कौन सा रहेगा यहाँ? ये क्या बना सर, आपने ये क्या बना दिया?
माइनस एच और इलेक्ट्रॉन का ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, फ्री रेडिकल नहीं है, अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन आया। कैसे फ्री रेडिकल बोल दो सर, फ्री रेडिकल को सिंगल इलेक्ट्रॉन ही तो बोलते हैं। फ्री रेडिकल होमोलाइटिक क्लीवेज से मिलते हैं, ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा सर, अब एच कैसे जोड़ोगे सर, यहां से तो एच प्लस मिलेगा, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों परेशान होते हो बालक, फिर सोडियम बेटा। अब ऑडियो क्लियर आ रहा है क्या? पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, रुको 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 रुको, चेक करते हैं, पूरा रिपीट कर देते हैं, चलो ऐसी क्या दिक्कत है, रिपीट कर, मैं पूरा रिपीट। हाँ बेटा प्लीज, क्यों बोल रहे हो, आपको प्लीज नहीं बोलना, हम आपको पढ़ाने के लिए हैं, तो पूरा 10 बार समझाएंगे। ये बताओ ऊपर वाली इक्वेशन तो क्लियर है ना, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अपर इक्वेशन है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, यस और नो बोलो। नो, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। देखो मैं पहले एज अ स्टूडेंट लेके चलता हूं, स्टूडेंट क्या क्या सोच सकता है, आर सी डबल ओ एच सर, यहां भी एच अटैच होगा, यहां भी अटैच होगा, मेरे होगा सर, यहीं से तो एच मिलेगा ना, और कोई तो सोर्स ही नहीं है एच का यहां पर, तो सर एच प्लस बनेगा, मतलब बनेगा तो सर एक प्लस और एक माइनस बनेगा, फिर कैसे होगा सर, अगर ये दोनों पर माइनस आ जाए कैसे भी, तो ये एच प्लस अटैच हो जाएगा, मतलब कि हाँ सर आएगा कैसे बेटा, सोडियम है, सोडियम मेटल, इट विल डोनेट देयर सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या किया डोनेट। अब बता दो पहले साउंड क्लियर है या नहीं है, साउंड ऑडिबल है तो आगे बढ़े। ओके ओके ओके, अब देखो एन ए इज कन्वर्टिंग इन एन ए प्लस वन बाय डोनेटिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन देखते ही पाई में खलबली मची, ऑक्सीजन बोला कार्बन से भाई मैं तो जाऊंगा, कार्बन बोला भाई क्यों जा रहा है, मेरा क्या होगा, बोला देख तेरा इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ना गेन कर लेना, उसने कहा चल देखते हैं, जैसे ही ये यहां गया इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव जनरेट हुआ, और पॉजिटिव पर कौन जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो पूरी प्रोसेस एक साथ हो रही है, ये यहां शिफ्ट हो रहा है, ये यहां आ रहा है, आर सी ओ पर मेरे प्यारे बच्चों चार्ज क्या आया माइनस, ये क्या है एच, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आया है तो माइनस मत लगा देना, माइनस का मतलब टू इलेक्ट्रॉन मानते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सर, फ्री रेडिकल बना गया, तो प्यारे बच्चों फ्री रेडिकल किससे बनता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से, यहां होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज तो हो नहीं रहा, ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज नहीं है, तो ये फ्री रेडिकल भी नहीं है सर, अब क्या करोगे आप तो खुद फंस गए, मैंने कहा क्यों बेटा सर, यहां से तो एच प्लस आएगा ना, तो वो फ्री रेडिकल से कैसे अटैच हो जाएगा, खुद सोचो ना, दिमाग लगाओ सर, आपका दिमाग नहीं है क्या, दिमाग तो है बेटा, पर आप लोग अभी एक चीज और देखो, ये एन ए है अगेन कन्वर्ट होगा एन ए प्लस वन में और वन इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां जाएगा, देख लो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां जाएगा, और फिर यहां जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर सी ओ माइनस एच, अब वन इलेक्ट्रॉन ये रहा, वन ये रहा, अब आप इसको माइनस कर सकते, ये क्या हो गया नेगेटिव चार्ज,
अब देखो सी पर भी नेगेटिव और ओ पर भी नेगेटिव, दोनों पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब आएंगे आपके कौन, सी टू एच फाइव ओ एच सर, ये आए, यहां से डोनेट करेंगे H प्लस। क्या डोनेट करेंगे? H प्लस। अब बात आती है यहां से एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा एग्जामिनर बना सकता है। आप लोग मुझे ये बताओ H प्लस पहले किस पे अटैक करेगा, C पर या O पर? ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है COC का, H प्लस कहां अटैक करेगा, C पर या O पर? यतेश ऊपर, मोनिका तिवारी ऊपर ऊपर ऊपर। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है हायर सी सी सी, आकांक्षा आंसर इज करेक्ट सी, ओ इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? नेगेटिव चार्ज ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑलवेज स्टेबल। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज हायर स्टेबल होता है, जबकि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव स्टेबल होता है और नेगेटिव अनस्टेबल। याद लिख रहा हूं, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये पहले अटैक करेगा सी, आर सी एच एच ओ माइनस, फिर दोबारा कौन आएगा, सी टू एच फाइव ओ एच। क्या प्रोवाइड कराएगा, एच प्लस। अब ये अटैक करेगा किस पर, ओ माइनस। एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, तब तक बताओ किस किस को क्लियर है, नोट करने के लिए टाइम दूंगा, किस किस को रिएक्शन कंप्लीट क्लियर है वो बताएं। क्लियर है सर आकांक्षा, वेरी गुड बेटा। यू ऑल आर वेरी गुड, अगर क्लियर है तो फिर नोट कर डालो, क्या दिक्कत है। क्लियर है तो नोट करो, नोट नोट करने के बाद डन मैसेज कर देना, सर डन नोट कर लिया। जयंत ने नोट कर लिया, मोनिका चौधरी ने नोट कर लिया, ओके डन डन डन। नेक्स्ट रिडक्शन मेथड पे मूव करने वाले हैं, देखते हैं नेक्स्ट रिडक्शन किसका है। एल्डिहाइड और कीटोन से हमने क्लियर कर दिया, एल्डिहाइड और कीटोन क्लियर है। पॉइंट लिखोगे आप, कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, नेगेटिव चार्ज राइट डाउन ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव अनस्टेबल। जीओसी का टॉपिक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव अनस्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन लोअर ई एन
इससे बात। ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव सी नेगेटिव सी पॉजिटिव। ए एंड बी फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ए और बी स्टेबल कौन ज्यादा है? ए। वेरी गुड। ए होगा क्योंकि ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? लेस स्टेबल। ओ प्लस और ओ माइनस में से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज स्टेबल। सी और सी नेगेटिव में से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव अनस्टेबल। माइनस और प्लस में से प्लस स्टेबल। इसको याद रखना, कॉन्सेप्ट काम आएगा हमारे आगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज बाय यूजिंग ऑफ carboxylic acid and its derivatives. Give the first heading. By using of carboxylic acid and its derivatives. देखो भाई, यूज कौन कौन से करने हैं समझना। फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड है कार्बोनिल हैलाइड, ये क्या होते हैं? कार्बोनिल हैलाइड। और थर्ड है एस्टर। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड कार्बोनिल क्लोराइड और थर्ड क्या है आपका? एस्टर। लिखना चाहो तो लिख लेना, ये एस्टर, ये कार्बोनिल हैलाइड और ये क्या हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक पॉइंट सुनना, कई बच्चे ये बोलते हैं सर इनका रिडक्शन में निकिल पैलेडियम और प्लेटिनम से कर दूं तो उनका यूज मत करना। लेबोरेटरी में हम यूज नहीं करते कभी। आप यूज किस किस का कर सकते हो? देखो रिएक्शन लिख के दे रहा हूं आपको कुछ। पहले तो ये चीजें आपको याद करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी को याद है LiAnH4 और NaBH4 के साथ हम ईथर और क्या लेते थे? H plus H2O, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। गिवन हो ना हो आपको लेके चलना पड़ेगा। आप मान के चलोगे यहां पर ईथर है और H plus H2 है, सेकेंड है NaBH4। यहां कहानी पलट जाएगी भाई साहब। लिखो पहले इनको, लिखो फिर बताता हूं। देखो पहले फटाफट, नोट कर लिया बेटा? यहां तक नोट किया?
एक चीज बताई थी, पता है क्या, किसी को अगर याद हो तो एल आई ए एल एच फोर इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन एल ए बी एस फोर। ये बताओ मॉर्निंग में ये बताया नहीं बताया, यस और नो बताइए। अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पहले बोल चुका था मॉर्निंग में आफ्टरनून के लेक्चर में काम आए। इसका रिडक्शन ये नहीं कर पाता, ये रिडक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इसका रिडक्शन कर देगा। इसका रिडक्शन ये नहीं कर पाएगा लेकिन ये कर देगा। इसका रिडक्शन ये भी करेगा और ये भी करेगा। सुन लेना, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं या बॉन्ड जितने होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, और यहां बॉन्ड क्या C और X है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ये वीक है और ये दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनके लिए हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एल आई ए एल एच फोर यूज करते हैं। इन दोनों के लिए हमेशा हम यूज करेंगे एल आई ए एल एच फोर, और इसके लिए आप दोनों यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव है तो यहां हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करके लगाने हैं कि हम टोटल कितने हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, इनके लिए मॉर्निंग में बोला था, अच्छा मैं बोल चुका हूं मॉर्निंग में, मुझे याद आया। तो ये बताओ, हमने एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन किया तो 2 हाइड्रोजन एटम यूज किए थे, तो यहां कितने करूंगा? बोला था मैंने मॉर्निंग में, लिखाया नहीं है। कुमार, आकांक्षा, कितने हाइड्रोजन ऐड करोगे रिडक्शन के लिए? यश जयसवाल, हां बोला बोला तो मैंने, कितना बोला बताओ फिर। कुमार, पता या नहीं पता, यस और नो? यश, आंसर गलत है। तो विश्वेश वाली कह रहा है वन, स्नेहा कदम आंसर इज करेक्ट बेटा, वेरी गुड। आदित्य आंसर इज करेक्ट, 4 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। अब इनकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है इनकी, मैकेनिज्म थोड़ी सी अलग है एल्डिहाइड और कीटोन से। देखो, आर सी डबल ओ ओ एच अलोंग विद एल आई ए एल एच फोर इन ईथर मीडियम एच प्लस एच टू ओ। ये अब इसकी मैकेनिज्म चेक करनी है कि इनकी मैकेनिज्म आखिर होगी क्या। तो मैकेनिज्म देखो क्या है, आर सी डबल ओ ओ और एच, ये गिवन है। सबसे पहले मॉर्निंग में भी कौन आया था, एल आई ए एल एच फोर, क्या रिलीज करेगा, हाइड्राइड आयन बताया मॉर्निंग में। ये जैसे ही एच माइनस रिलीज करेगा तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हुआ। आर सी ओ ऊपर आया माइनस, ओ और एच यहां क्या कनेक्ट हो गया, एच कनेक्ट, देख लो यहां एच कनेक्ट हो गया। अब कौन आएगा इसके पास, यहां से एच प्लस। देखो अब एच प्लस कहानी पलट देगा कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहेगा और ये अब यहां आ गया 1 2 3 और तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस, माइनस एच टू। आर सी एच ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड,
दोबारा देखो, ये यहां से हुआ एच माइनस आया, ये यहां पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, इस पर अटैक कर देगा, एच यहां अटैच हुआ, ये एच प्लस है, ये बॉन्ड यहां आएगा, ये यहां जाएगा, एच टू रिलीज होगा, एल्डिहाइड बनेगा। किस किस को याद तक क्लियर है वो फटाफट यस बोलो, अभी नोट नहीं करेगा कोई, टाइम दूंगा। अब क्या बचा? अब तो भाई सुबह वाली कहानी बची भाई, बचा क्या है यहां? सुबह वाली कहानी, और सुबह वाली कहानी क्या है? एल आई ए एल एच फोर आएगा, एच माइनस प्रोवाइड कराएगा, ये इधर शिफ्ट हुआ, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पर नेगेटिव जाएगा, आर सी एच एच ऊपर चार्ज क्या आया? माइनस। अब लास्ट में कौन आता था? एच प्लस एच टू। अगर मॉर्निंग का लेक्चर किसी का क्लियर है ना, उसे इस लेक्चर में कोई क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई, नोट करो, एक मिनट का टाइम दे रहा हूं कंप्लीट, सिर्फ एक मिनट है नोट करना है। All you have noted or not? Done. Done के लिए D लिख दिया करो, ये बेटर है, Done के लिए D लिख दो। चलो आगे लिखते हैं। Next, एक काम करो, आप एसिड क्लोराइड लो, क्या लेना है? एसिड क्लोराइड, और उसका रिडक्शन कराओ, ट्राई करो कैसे होगा। एसिड क्लोराइड का LiAlH4 के साथ करो, सेम प्रोसीजर है। चलो देखते हैं, आर सीओ सी एल, सीओ सी एल कैन बी रिड्यूस बाय बोथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज वेल एज सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो मैं चलो NaBS NaBS4 ether H plus in H2O, mechanism R C double bond O C L, NaBH4 it will provide hydride ion H minus, माइनस देखते हैं क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उछलेगा, माइनस देखते हैं उछलेगा, और ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुआ, यहां पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा, इस पर नेगेटिव अटैक कर देगा, अब बारी किसकी, इस एच प्लस की, अब आप लोग मुझे बताओ H प्लस किस पे अटैक करेगा, O माइनस पर या Cl पर? सोचो बच्चा, सोचो किस पर अटैक करेगा, मोक्षत, मोक्षत पाटिल आप बेटा क्लास में प्रॉपर अटेंशन से नहीं बैठे, इसलिए आंसर सही है, मैक्सिमम का आंसर सही है, सिर्फ एक को छोड़ के,
देखो यहां के भी करना है तो सीएल निकालना है, ये यहां से टूटना चाहेगा और ये यहां से कब हो पाएगा जब सीएल यहां से। देख लो पहले वाले रिएक्शन में क्या हुआ था, देखना आर सी एच ओ माइनस और ओ एच, वहां ये चार्ज यहां शिफ्ट हुआ और ये यहां शिफ्ट हुआ, बता चुका हूं आपको। तो यहां डबल बॉन्ड बना था OH माइनस H प्लस के साथ रिमूव हुआ। तो बच्चे देखना है यहां क्या होता है, Cl पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ एडिमिनेट HCl, ये यहां आ रहा है तो R C डबल बॉन्ड O और फिर एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड का तो मैंने मॉर्निंग में सिखाया है आपको क्या होता है। फिर कौन आएगा, NaBH4 क्या डोनेट करेगा H माइनस। अब H माइनस देखते ही पाई क्लाउ फिर उछलते बाहर निकलेगा, इस पर फिर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव पर शिफ्ट, अब फिर वही काम कौन आएगा एच प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू, अब प्लस किसमें अटैक कर देगा माइनस। यहां तक किसको क्लियर है वो बताए भाई, नोट करो नोट करो, आज लास्ट के 10 मिनट्स में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आप तो स्क्रीनशॉट ले लिया बाप रे, नोट कर लिया तक, चलो आगे चलते हैं। लास्ट किसका करना है एस्टर, आर सी डबल ओ ओ आर डैश, इसका रिएक्शन NaBH4 नहीं कर सकता, बता चुका हूं आपको मैं बेटा। इन ईथर मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ये जरा देखना यार क्या होगा। इस तरह मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, लास्ट चांस है उन बच्चों को जिन्हें सुबह का लेक्चर और अब का लेक्चर में मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ रही है, इसके बाद ये रिपीट नहीं करूंगा कभी भी। आर सी डबल ओ ओ और आर डैश, सबसे पहले कौन आएगा एल आई ए एल एच को, क्या डोनेट करेगा एच माइनस, माइनस देखते ही पाई क्लाउड में खलबली यहां शिफ्ट हुआ, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव पर बेटा कौन शिफ्ट होगा नेगेटिव पर, लिखना मत एग्जाम में, एग्जाम में कुछ समझ जाएगा। आर सी ओ माइनस ये आया एच, ये हुआ डैश डैश। अब क्या वही काम, माइनस यहां शिफ्ट होना चाहेगा और कब शिफ्ट होगा जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा,
तो एक पॉइंट लिखना, इस पर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, नेगेटिव, यहां क्या आएगा एच प्लस और एच टू माइनस पर अटैक करेगा। इससे पहले सीएल माइनस था, उससे पहले ओएस था, अब आर ओ माइनस है। यहां से आर सी एच ये यहां शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड, एच प्लस यहां आया तो क्या होगा आर ओ आर डैश। तो देखो एक एल्कोहल तो मुझे यहां मिल गया, अब बचा हुआ ये क्या होगा सोचो। अरे सर एल्डिहाइड, अब तो हमें सर ये रट गया है, क्या है एल आई ए एल एच ओ एच प्लस। अब ये एच प्लस सॉरी एच माइनस हाइड्राइड आयन को देखते ही क्लाउड कहां शिफ्ट हुआ ऊपर, कार्बन में क्या आया पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन गया आर सी ओ माइनस और एच। अब क्या होगा बचा हुआ कौन है एच प्लस और एच टू, प्लस किस पे अटेंड करेगा माइनस पे, गड़बड़ कर दी क्या। अच्छा अच्छा कोई गड़बड़ नहीं है, ये एच प्लस यहां था एच, ये एच प्लस का शिफ्ट होगा माइनस पे आर सी ओ एच एच। यहां तक किस किस को क्लियर है, और अब भी क्लियर नहीं हो ना तो फिर मेरे से बेकार को पढ़ाने वाला भी नहीं होगा बेटा, कि जो इतनी रिएक्शन में भी क्लियर ना कर पा सके बच्चे। आज का लेक्चर पूरा देखो दो मिनट, मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम बैठ के। नोट करो, देखते हैं प्रीवियस लेक्चर का आप लोगों को कितना याद है। डीपीपी बनाई थी तुम्हारे लिए, वो डीपीपी कहां भाई, एक मिनट। दो मिनट बेटा रिवाइज करो, डीपीपी देख लो कहां रह गई आपकी। ओके 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 स्टार्ट करते हैं, राइट डाउन क्वेश्चंस, नया टॉपिक चालू नहीं करूंगा अभी, पहले प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई रेडियो प्रीवियस लेक्चर्स प्रिपेयर है ना, 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, पता चले मैकेनिज्म किए जा रहे हैं और गायब हो जाओ बैक साइड से, तो डेली रेडी रहना 10 मिनट्स इस लेक्चर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कौन कौन रेडी है वो यस बोलो भाई। यस जयसवाल रेडी है, एक ही बच्चा रेडी है बस, यस इसके अलावा कोई नहीं है। अखिलेश स्वरूपा राइट आंसर क्वेश्चन, CH3 CH double bond CH3। H2O, H plus,
डाइल्यूट H2SO4। सेकेंड इसी तरह आया क्वेश्चन OMDM। थर्ड इज HBO। सॉल्व करो क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो। यतेश टू ऑल डन। एक ही बच्चा ऐसा है क्वेश्चन देते सॉल्व कर लेता है। एनआई पीडी पीडी ये बताना ये क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन किस किसने सॉल्व कर लिया ये बताओ। यतेश तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए बेटा। थर्ड बाकी है करो। निकिता हो गई। यश तीनों सॉल्व हो गए। चलो देखते हैं। डाइल्यूट H2SO4 है। कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो यहां रीअरेंजमेंट हो। सुन लेना यहां रीअरेंजमेंट होगा। सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है मैंने। रीअरेंजमेंट होगा तो इस पर क्या आएगा आपका चार्ज पॉजिटिव। ये यहां से हो जाएगा। फर्स्ट का प्रोडक्ट होगा CH3 CH3 CH CH3 CH3 और फर्स्ट क्वेश्चन किस किस का करेक्ट है वो यस बोलो। फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन OMDM ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। एग्जामिनर बहुत शातिर होता है याद रखना इस चीज। यहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। OH कहां कनेक्ट होगा यहां पर।
सेकेंड क्वेश्चन किस किस का करेक्ट है वो यस बोलो। ओके, लास्ट एच बी ओ है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एच बी ओ के केस में कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, यस और नो बताओ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है कि नहीं होता? अखिलेश आंसर करेक्ट, नहीं होता। सुन लेना, यहां पर मार्कोनी कॉक्स रूल तो फॉलो होगा, मतलब एच यहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन एक्सिस में, लेकिन माइंड में सेट कर लेना यहां कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता मेरे बच्चों। और अगर कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा है ना तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहां OH इस जगह आपने। ये तीनों क्वेश्चन किस किस के करेक्ट है बेटा, ईमानदारी से बताना। यतेश एच, हाँ एच बी ओ में एंटी मार्कोनी कॉक्स कब लगता है भाई? एच बी ओ में कब लगता है एंटी मार्कोनी कॉक्स? चेक करना एक बार, घर बैठ के चेक करना। ये वाले सॉल्व करो, मेरी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक है, सुन लेना, मेरा बाय मिस्टेक बता गया था। OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनी कॉक्स रूल लगेगा, ये मेरी मिस्टेक है, सुन लेना, क्वेश्चन गलत मत करना। यहां मार्कोनी कॉक्स रूल लगेगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जबकि यहां पर एंटी मार्कोनी कॉक्स रूल लगेगा, तो इसका प्रोडक्ट ये होगा, इसका प्रोडक्ट। मेरी मिस्टेक है, पहले बता रहा हूं, एग्जाम में गलत मत कर देना कहीं गलती से भी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनी कॉक्स रूल लगेगा। अब बताओ तीनों किस किसके करेक्ट है? यतेश तीनों करेक्ट होंगे, बिल्कुल पता थी। प्रतीक वेरी गुड, याद रख लेना सर, 2C1W याद रखना। OMDM में MR लगता है, HBO में AMR लगेगा। मेरे मिस्टेक है, टीचर से मिस्टेक हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सर आपने गलत कर दिया, सर पकड़ लो, सर मारो, ऐसा नहीं होता है, हम भी इंसान हैं, हो जाती है गलती। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर BD3 है, क्या प्रोवाइड कराएगा बताओ? BD3 क्या प्रोवाइड कराएगा, D- या D+? D डी प्लस होगा या डी माइनस होगा? ओके, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, ये ओडी माइनस, कहीं भी कनेक्ट कर दो किसी को ओडी। ये क्वेश्चन किस किस का करेक्ट है? सिंपल क्वेश्चन था, ओडी और डी का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकिल प्लैटिनम प्लैटिनम और प्लैटिनम है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, इन्होंने रिडक्शन किया है। और मैं बता चुका हूं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में इसका यूज नहीं होता, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ ना कुछ होगा। इसको ओपन करके लिख लिया करो, प्रॉब्लम है। CH2 लिख दिया। अब ये सोचो
ये किससे मिला होगा? 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड से मिलेगा, 2 डिग्री होता तो कीटोन से मिलता। तो यहां पर क्या है ना, ये बहुत सिंपल है, अगर मैं CH3CH2 CHO ले लूं तो इसका रिडक्शन किसमें हो जाएगा? CH2OH में। किस किस का थर्ड आंसर करेक्ट है? थर्ड किस किस का करेक्ट है? यतिश। थर्ड क्वेश्चन तो सिंपल है बेटा, प्रोडक्ट में देखो प्रोडक्ट में क्या है, इधर देखना प्रोडक्ट में क्या है, CH2OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं बनते, अगर मैं NaBH4 दे देता ना तो दिक्कत होती, सर हम कौन सा लेंगे यहाँ पर? फिर वहां साइड प्रोडक्ट गिवन होते हैं आपको, लेकिन साइड में नहीं गिवन, और रिड्यूसिंग एजेंट ये है तो CH2OH किससे मिलेगा? CHO के। मॉर्निंग का कल लेक्चर बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है, लेक्चर छोड़ना मत। ये बताओ किस किस को अब ऑर्गेनिक इजी लग रही है? यस।